said, welcome back to our channel. You awake? You awake, Dugu? Good morning. आज डुगू का मूड बहुत अच्छा है. हाँ डुगू. हाँ डुगू का मूड अच्छा है क्योंकि उसकी मसाज वाली आई है. सी ओ माय गॉड, सो हैप्पी सो हैप्पी सो हैप्पी. डुगू डुगू डुगू, मामा को देखो, जाओ जाओ मसाज कराने. तो जब तक डुगू की मसाज हो रही है, मैंने सोचा हॉट वाटर पी लेती हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले ल्यूक वार्म वाटर पीती हूँ, उसके बाद अपना सारा दिन शुरू करती हूँ. फिशु फिशु, लो खाना लो. ब्रेकफास्ट टाइम, सो आई एम गिविंग हिम पोमेग्रेनेट, ही लव्स इट. सो यूजुअली मैं ब्रेकफास्ट के बाद इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, खेलती हूँ इसके साथ ताकि ये थोड़ा इंगेज रहे, वरना ये बहुत क्रैंकी हो जाता है. खाना नहीं है. He hasn't started crawling yet, but ये position ले लेता है अब crawling की, और मुझे ऐसा intuition हो रहा है कि बहुत जल्दी ये crawl करेगा. But time लगेगा. वैसे usually doctor कहते हैं कि in between 7 to 9 months करना चाहिए, तो I'm pushing him कि ये करे जल्दी. So finally इतनी शैतानी करने के बाद डुगू सो गया, और जब डुगू सोता है तो मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ कर ही लूँ. तो मैंने फटाफट अपने लंच बनाया, मैंने दाल बॉईल की. मैं यूजुअली रोटी नहीं खाती हूँ दिन में, तो मैंने फटाफट दाल रेडी की, उसमें तड़का लगाया, अपने लिए सैलड बनाया, और मेरा लंच रेडी हो गया. सो फाइनली लंच इज रेडी, और जब मेरा बच्चा सोता है उतना ही मेरे पास टाइम होता है कि मैं मी टाइम ले लूं और नेटफ्लिक्स या कोई सीरीज देख लूं. सो हियर आई एम. क्या बोल रहे हो? डाई 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 बेबी लैंग्वेज. तो इवनिंग टाइम हो गया था और डुगू का इवनिंग स्ट्रोल टाइम हो गया था, और मेरी बिल्डिंग में नीचे स्विमिंग पूल, जिम, योगा रूम, बच्चों के लिए पार्क, सब कुछ है. तो आई वेंट डाउनस्टेयर्स और मैं डुगू को लेके आई नीचे. बिलीव मी, दिस इज़ माय थर्ड टाइम आई एम कमिंग डाउनस्टेयर्स. मैं यूजुअली आती नहीं हूँ, और मैं आती भी हूँ तो राउंड अराउंड चली जाती हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा कि डुगू गाड़ी पार्क हो गई. सर सर सर,
गाड़ी पार्क हो गई है आपकी। सर गाड़ी पार्क हो गई है। डुगू मम्मा जा रही हैं डिनर बनाने। ओके बाय। इसको खड़े रहने में कितना मजा आता है बेटा। पहले क्रॉस। टुडे आई एम हैविंग मूंग दाल का चीला। मैंने ऑलरेडी दाल पहले से भिगा रखी थी तो मैंने उसे पीस लिया था पहले ही। उसमें थोड़े से स्पाइसेस मिला दिए और प्याज धनिया मिर्ची टमाटर। उसके बाद मैंने चीला बना लिया। दैट्स व्हाट माय डिनर वाज। रात समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।